नीचे कर दो ना कुटे रिपोर्टर चलो बहुत दिक्कत है मेरे को आंखें देखकर बात करनी पड़ती है। हाँ तो क्या है क्वेश्चन? थैंक यू। वेल एज यू सेड आई हार्डली कम टू एनी इवेंट एंड नाउ आई एम मोर एक्सेसिबल एंड आई एम मोर विजिबल। यू नो इट्स ऑल अबाउट ब्रिटेन एंड यूके। टेल अस योर यू नो डिड यू एवर वेंट ओवर देयर योर मेमोरी। Yes, we shot a portion of Devdi in Britain. I have done a live televised film for BBC Three, and Birmingham is, well, I was felicitated by the mayor of Birmingham, so I have some connection to Britain, and so I was more than happy to take the invite and come for this event. What would you say about the whole initiative taken by Britain to our, you know, Britain people? I think it's great. I think a country that makes the environment friendly to shoot a film. I think a country that gives tax benefits and breaks for producers to make films, it just is an opportunity for all sorts of people to make films. Okay, what's happening in professional front, you know, on professional front? Now, well, I'm reading scripts. I'll be acting in a couple of films we'll be shooting this year and looking to produce my next as well. If you can tell us a little bit about the next film. I'd like to tell you more, but right now, they're all in the works. Thank you so much. Thank you. इज अ बिग वेरी रिलेशनशिप विच इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ मूवीज इन ए डिफरेंट अवतार यू कैन से दैट इंडिया एंड ब्रिटेन आर ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ मूवीज बिकॉज Britain is a beautiful country and a lot of people actually producers and directors they love you know British countryside or Britain as such you know and in last so many years so many films have been shot there you know so it is because of the beauty and Britain and Bollywood have really maintained a relationship which is very very strong and you see lovely locations in the films to sir ye location tha ki ye bhi hai ya wahan ke logo ko bhi bollywood film mein pasand aane lagi aisa keh sakte hain ha ye bhi hai dekhiye pehle kya itna britain mein itni pictures thoda release hua karti thi asal mein lekin aaj jo hindi film jo hai wo main leicester square mein aap hindi film ke posters dekh sakte hain hindi film ke actors jaake apne premiere karte hain wahan par ya logon tak jo hai wo zyada film pahunchi hai wahan par aaj itni badi actually bollywood ki filmein jo hain वो बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटेन बहुत चलती है असल में। ओके सतीश जी आप की टीम आ रही है गैंग ऑफ घोस्ट और उसको काफी सराहा जा रहा है प्रोमो को काफी अप्रिशिएट करा जा रहा है आप मानते हैं कि आदि जल्दी जल्दी आज अगर प्रोमो अप्रिशिएट हो रहा है और म्यूजिक अप्रिशिएट हो रहा है तो आदि जंग तो आप समझो कि जीती जा चुकी है बस अब आगे देखना है पिक्चर बहुत अच्छी बनी है बड़ी फनी पिक्चर है मैंने बहुत दिनों बाद कॉमेडी फिल्म बनाई है कॉमेडी फिल्म तो एक्चुअली मैंने कभी बनाई नहीं थी तो बड़ी मैड एक वैकी कॉमेडी है लेकिन जिसमें कि थोड़ा एक सोशल टच भी बहुत अच्छा है जो मेरी हर पिक्चर के अंदर होता है तो गैंग ऑफ घोस्ट के अंदर आपको इतने ज़बरदस्त एक्टर्स देखने को मिलेंगे अलग इसलिए है क्योंकि तकरीबन इंसान जो है वो भूतों से डरते हैं लेकिन हमारे भूत जो हैं वो इंसानों से डरते हैं असल में ओके फिल्म की रिलीज नजदीक है और किस तरह की फीलिंग चल रही है सतीश जी नर्वस हैं एक्साइटेड हैं रेस्पॉन्स यू नो बज इज रियली पॉजिटिव अबाउट द फिल्म ऑफ कोर्स बट स्टिल वांट टू नो कि जैसे आपने कहा कि यू नो द वेरी फर्स्ट कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय सतीश कौशिक किस तरह की फीलिंग ऑफ कोर्स एक मींस एक्साइटमेंट होती है नर्वसनेस तो नहीं बिकॉज सो मच मनी इन्वॉल्व सो मनी पीपल आर इन्वॉल्व मैं बहुत दिनों बाद फिल्म लेके आ रहा हूँ असल में बीच में गैप हो गया था तो तेरे संग के बाद मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई है लेकिन मेरे को लगता है कि ये फिल्म जो है बड़ी एक्साइटिंग है और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं
होली तो बस एक्चुअली प्रमोशन ही चल रहा है गैंग ऑफ घोस्ट का, तो कुछ ना कुछ होली से कनेक्टेड गैंग ऑफ घोस्ट का भी चल रहा है साल में, है ना। ऑफकोर्स बस शबाना के घर, जानकी कुटीर की होली तो कोई मैं कभी मिस करता ही नहीं हूँ, जावेद साहब, शबाना, बाबा तन्वी, है ना। मैं हूँ सतीश कौशिक और होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलाल से खेलो, पानी से मत खेलो। हमारे लिए हम लोग अभी भी ऐसा लगा जैसे बादलों पे चल रहे हैं। अभी भी मेरे फ्रेंड्स फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टिकट्स ही नहीं मिल रही है और सब हाउसफुल है। लोगों ने मल्टीप्लेक्सेस में भी सिंगल स्क्रीन के जैसे सीटियां मारना और तालियां मारना शुरू कर दिया है, तो हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है और वी होल टीम इज वेरी वेरी हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ फिल्म। गुलाब गैंग किसी फिल्म रिलीज होने के बावजूद जहां माधुरी दीक्षित भी चल रहे हैं, दिग्गज सितारे थे, आपकी फिल्म ने बिजनेस भी ज्यादा किया है और लोग पसंद भी बहुत कर रहे हैं, चाहे फिल्म क्रिटिक हो चाहे ऑडियंस हो, इस तरह की फीलिंग क्या कहना चाहेंगी इस कामयाबी के ऊपर? हम लोग सब बहुत खुश हैं एंड वी होप के जैसा कि ये फिल्म बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए और हमारे हमारी जनरेशन के लिए, सो आई होप एवरीवन गेट्स टू सी इट एंड एंजॉय। इन माय करियर, यस ऑफ कोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। मुझे वैसे तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, लेकिन सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मैं मानूंगी जो मुझे मिस्टर अमिताभ बच्चन ने अपने हाथों से लिख के लेटर भेजा और जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्द लिखे हैं मेरे परफॉर्मेंस के बारे में। उसे पढ़ के मेरी आंखों से पानी आ गया और मैं पूरी सुबह रो रही थी, बिकॉज ही वॉज सो काइंड एंड सो ग्रेशियस एंड सो कर्टियस एंड आई थिंक मेरा उनके लिए जो रिस्पेक्ट था वो 1000 पोल जो है वो बढ़ गया है। उन्होंने मैं लिखा था लेकिन आई कांट रियली, ओके फाइन, लेट मी जस्ट रीड इट।